मध्य प्रदेश के सागर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में उस वक्त छात्र छात्राओं में अफरा तफरी मच गई जब कॉलेज के भीतर स्टोर रूम में एक घोड़ा पछाड़ प्रजाति का खतरनाक सांप घुस गया। कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राओं ने जब खतरनाक प्रजाति के सांप को देखा तो परिसर में अफरा तफरी मच गई। तत्काल ही इस पूरे मामले की सूचना सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा को दी गई, जहाँ मौके पर पहुंचे अकील बाबा ने कड़ी मशक्कत के बाद इस घोड़ा पछाड़ प्रजाति के सांप को पकड़ लिया है। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागोदय अस्पताल के पास सागर। दरअसल बुधवार को सागर के तहसील रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में अचानक एक घोड़ा पछाड़ प्रजाति का सांप स्टोर रूम में रखी अलमारी के नीचे छिप गया। सांप को देख वहां मौजूद स्टाफ और छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया। तत्काल इस पूरे मामले की सूचना सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा को दी गई, जहां मौके पर पहुंचे अकील बाबा ने कड़ी मशक्कत के बाद घोड़ा पछाड़ प्रजाति के इस खतरनाक सांप को पकड़ लिया। फिलहाल सांप के पकड़े जाने के बाद स्टाफ और छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली है। सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा का कहना है कि गर्मी और उमस के चलते यह सांप झाड़ियों से निकलकर कॉलेज परिसर तक पहुंचा है। फिलहाल इसे पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। मतलब अभी यहाँ पर घोड़ा पछाड़ प्रजाति का सांप, अभी क्या गर्मी और उमस पड़ गई है, पानी नहीं गिर रहा, इस वजह से जो है ना क्या कहते हैं ये जो है ना सांप पकड़ लिया। इसको करीब 5 मिनट की मेहनत के बाद पकड़ लिया और इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा। भाई जान कौन सा है? सरकार बताएंगे इसका। सागर से वसीम कुरैशी के साथ राहुल सिंह ठाकुर, सागर एक्सप्रेस न्यूज। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागोदय अस्पताल के पास सागर। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड द्वारका बिहार चौराहा सागर मध्य प्रदेश।